बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं सैफी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हत्या का बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। मां को बेटी का प्रेमी से मिलना नागवारा गुजरता था, इसी कारण विवाद होता रहता था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए। लड़की ने पड़ोस में रहने वालों को हत्या की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा करते हुए SP आनंद कुलकर्णी ने बताया कि उन्नाव हुसैन नगर में 50 वर्षीय महिला की हत्या की गई, जिस पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके लिए SOG टीम और कोतवाली थाने की कई टीमों को लगाया गया। कुलकर्णी ने बताया कि दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पड़ोस में ही रहने वाले अयूब उर्फ सलमान का मृतका की लड़की से प्रेम संबंध है। मृतका महिला लड़के से बात करने का विरोध करती थी, इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ। उसके बाद मृतका की लड़की ने प्रेमी अयूब के साथ मिलकर योजना बनाई। रात को लड़की ने प्रेमी को घर बुलाया और मां के सिर पर ईंट से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कहा आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये 15/7/21 को हुसैन नगर कोतवाली में एक महिला की, जिसकी एज लगभग 50 साल के आसपास की, हत्या की गई थी। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस के लिए घटना का खुलासा करना एक चुनौती थी। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई थी और इसके लिए SOG टीम और कोतवाली थाने की कई टीमों को लगाया गया था। आज 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली है और दो अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना की पूरी जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि उनके घर के पड़ोस में ही रहने वाला एक अभियुक्त अयूब उर्फ सलमान, जिसका एज 26 साल है, वो मृतका की लड़की के साथ मित्रता रखता था और उनकी आपस में बातचीत होती थी। इसी में इनका वाद विवाद होता हुआ, क्योंकि जो महिला थी उसके द्वारा अपने लड़की से उससे बात करने से मना करने के लिए कहा गया था, बात करने के विरोध करती थी, उसी बात को लेकर इनका वाद विवाद हुआ था और इसी के कारण दोनों के द्वारा, मृतका की लड़की एवं अभियुक्त सलमान, इसके द्वारा योजना बना के उनके घर में जाके एक ईंट से प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई और उसके बाद दोनों लोग जो है वहाँ से, मौके से जो है अभियुक्त फरार हुआ और लड़की के द्वारा आसपास के लोगों को इसके घटना की सूचना दी गई। पूरी घटना में पुलिस की कई टीमें लगी और बहुत ही शीघ्रता से इसका घटना का अनावरण किया गया है और कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपनी घटना स्वीकार की गई है। दोनों पास गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।